गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि पटना लॉ कॉलेज का जो सीट है वो इंक्रीज हो चुका है, फिर से 300 सीटों पे नामांकन होगी। और इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बातें करेंगे क्या ऐसा हुआ कि फिर से जो सीटें इंक्रीज हो गई, और भी ऐसे लॉ कॉलेज हैं जिनको सीटें कम कर दी गई थी, फिर से सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं, और साथ ही ऑन लॉ कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा जो चीज़ निकल के आ रहा है, जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के ये आ रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो अपना दूसरा रिपोर्ट दिया है। जैसे कि 21 अक्टूबर के अराउंड जो है वो दूसरा रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया है, उसमें जो है वो पता चला है कि जो लॉ कॉलेजेस हो गए, जैसे पटना लॉ कॉलेज हो गया, तो उनका जो है वो सीट फिर से इंक्रीज हो चुका है। तो इस पे जो है वो हम लोग विस्तार से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। काफ़ी बड़ा अपडेट है, काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, और चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। पटना लॉ कॉलेज की सीटों में नहीं होगी कटौती। जैसे कि आप लोग को पता है कि 120 सीटें कर दी गई थी, लेकिन अभी जो है फिर से 300 सीटों पर नामांकन होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 21 में से 7 कॉलेजों का स्टेटस बदला। पहले जो है 21 में से 7 ऐसे लॉ कॉलेजेस को जो है वो अपना स्टेटस बदला है, डेट मीन्स की जो सीटें कम कर दी गई थी, फिर से उनका जो सीट है वो पहले की तरह कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि एक मिनट, हाँ, 5 संस्थानों में LLB पाठ्यक्रम की मंजूरी नहीं, मतलब कि LLB की जो है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी। 2 में सीटें बढ़ी, 6 में सीटें घटी, और 9 में कोई बदलाव नहीं। तो इस तरह का जो है वो समीकरण हमें देखने को मिल रहा है। इन संस्थानों में निम्न कोर्सेस में नहीं हुई कटौती, तो इसमें जो है वो जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट में पटना लॉ कॉलेज थर्ड ईयर मतलब 3 ईयर जो है LLB है, 300 सीटें हैं, और यहाँ पे रिकमेंडेशन मतलब कि फिर से जो है वो वहाँ पे 300 सीटें ही रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखो KK लॉ कॉलेज, तो यहाँ पे 120 सीट 3 ईयर्स कोर्स में और 5 ईयर कोर्स में 120, तो उसी तरह से है यहाँ पे भी। और भी अन्य लॉ कॉलेजेस हैं, जैसे RPS लॉ कॉलेज है, तो यहाँ पे 300 सीटें और यहाँ पे भी 300 सीटें, तो इसमें तो कुछ बदलाव नहीं हुए थे। तो इस तरह का जो है वो हमें समीकरण देखने को मिलता है कि इसमें जो है वो कोई भी कटौती नहीं हुई इस लिस्ट में। आप लोग देख रहे हैं MIT लॉ कॉलेज भी है, और यहाँ पे इन संस्थानों में निम्न कोर्सेज में हुई कटौती, तो यहाँ पे जो सीट है वहाँ पे कम कर दिया गया है। जैसे नारायण स्कूल ऑफ लॉ है, तो थर्ड ईयर कोर्स में 120 सीट हुआ करता था, तो उसको जो है वो घटाकर 60 कर दी गई हैं। 5 ईयर्स को कोर्स में 120 को फिर 60 सीट जो है वो कर दी गई हैं। तो इस तरह से जो है वो सीटें कम कर दी गई हैं। जैसे कि एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, मुंशी लॉ कॉलेज है, थर्ड ईयर LLB में 180 सीटें थी, तो इनका जो है, अच्छा इनका जो है वो सेम ही रहा है, 180 सीट ही हैं। राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज में को 240 सीट से है 120 सीट कर दिया गया है। तो कुछ जैसे कि ऐसा देखने को मिला है, कुछ कॉलेजेस में जो है वो सीटें मतलब कि पहले कम कर दी गई थी, फिर से बढ़ा दी गई हैं, और कुछ में है कि जो सेम था वही है अभी तक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। कुछ ऐसे लॉ कॉलेजेस भी हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, जैसे कि सर्वोदया लॉ कॉलेज हो गई, TNB लॉ कॉलेज हो गया। तो ये जो लिस्ट में आप लोग देख रहे हो, 5 ऐसे लॉ कॉलेज हैं जिनको जो है वो अप्रूवल नहीं मिला है दूसरे आपके रिपोर्ट में भी। तो इस तरह का जो है वो आप अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, इसको अच्छे से देखना चाहते हो, तो यहाँ पर पॉज करके आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर क्विक हम लोग देख लेते कि क्या जो है वो बातें निकल के आ रही हैं। राज्य के लॉ कॉलेजों में नामांकन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंप दी है। 21 अक्टूबर को सौंपे गए रिपोर्ट में के अनुसार 21 लॉ कॉलेजों में सत्र 21-22 में नामांकन का स्टेटस दिया है, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना लॉ कॉलेज समेत 9 संस्थानों की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। डेट मीन्स की ऐसे 9 लॉ कॉलेजेस हैं जिनको जो है सीटें परिवर्तन मतलब सीट जो है वो चेंज नहीं हुआ, सेम पहले जितना सीट था उतना ही सीट रहा है। हाँ, इन लॉ कॉलेज में जो है वो हमें देखने को मिला कि जो सीटें कम कर दी गई थी, लेकिन फिर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की कटौती की गई है। वहीं दो कॉलेजों के दो पाठ्यक्रमों के सीटों की बढ़ोतरी की मंजूरी भी दी गई है, ठीक है। जबकि 5 संस्थानों के इंस्पेक्शन के बाद भी 21-22 के नामांकन के लिए अनुमति नहीं दी गई है, जो कि हमने यहाँ पे देखा कौन से जो है 5 लॉ कॉलेज हैं जहाँ पे इस साल एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले जो है 29 सितंबर को BCI के द्वारा कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एफिडेविट देकर बताया था कि राज्य के 27 लॉ संस्थानों में सिर्फ 6 ऐसे संस्थान हैं जो पहले सत्र 21-22 के उतने ही सीटों पर उन्हीं पाठ्यक्रमों में
नामांकन ले सकते हैं। तो इस पे मैंने प्रीवियस मतलब जो अप्रूवल मिला था उस पे भी बात किया था कि 27 लॉ कॉलेज थे जिसमें कि 6 ऐसे मतलब कॉलेज थे कि जिनको सेम सीट पे ही मतलब उनका जो है सीट नहीं कम किया गया था। तो वो जो रिपोर्ट था वो पहले का फर्स्ट रिपोर्ट काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हो। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जो पहले से चले आ रही थी, जबकि सिर्फ नालंदा विधि महाविद्यालय में फाइव ईयर BA LLB कोर्स की सीटों की संख्या को बढ़ाने की अनुमति बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रिकमेंडेशन में दी है। इसके अलावा 7 कॉलेजों की मान्यता रद्द है, मतलब कि 7 ऐसे लॉ कॉलेज जिनकी मान्यता रद्द है। 8 की सीटों में कटौती की बात BCI के रिपोर्ट में थी, जिसमें कि 112 साल पुराने पटना लॉ कॉलेज में सीटों की कटौती की गई थी, जैसे कि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। पुरानी रिपोर्ट के BCI ने पटना लॉ कॉलेज में 21/22 में सिर्फ 120 सीटों की मंजूरी दी थी और वहाँ पे आपका 300 सीट निर्धारित, अभी 300 सीटों पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, अभी नई देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ है। अब नई रिपोर्ट में पटना लॉ कॉलेज में 60-60 स्टूडेंट के 5 सेक्शन यानी 300 सीटों की मंजूरी दी गई है, या हो सकता है कि ऐसे किया जा सकता है कि 60-60 सीटें हैं जो इनके 5 सेक्शन बनाए जाए। खैर इसमें मैं कुछ ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बातें जो है वो देखने को मिल रही है एंड काफ़ी अच्छा मतलब है इसमें। ये जो लॉ कॉलेजेस हैं, आप लोग यहाँ पे मैं फिर से आना चाहूँगा, तो यहाँ पे है कि इन लॉ कॉलेजों में कोई भी मतलब कि पहले जितना सीट था, फॉर एग्जांपल जैसे पटना लॉ कॉलेज में 300 सीटें थी तो अभी भी 300 सीटें हैं। यहाँ पे है कि कुछ में कटौती हुई है, कुछ में सेम भी रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिली है। और यहाँ पे एक देखिए, पहले से अधिक प्राप्त सीटें प्राप्त करने में सफल, मतलब कि अधिक सीटें, जैसे कि नवादा विधि महाविद्यालय, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा पहले चर्चा किया था कि वहाँ पे क्या है कि 5 ईयर कोर्स में 120 सीट था, लेकिन उसको बढ़ा के 180 सीट कर दिया गया। थर्ड ईयर LLB में वहाँ पे 60 थी तो 120 हो गए। तो ये रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज की में जो है वो थर्ड ईयर कोर्स को जो है वो 60 से 120 कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि इसको सीट इंक्रीज कर दिया गया। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, फैकल्टी हो गए या और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं, पैमाना होता है वो अच्छा होगा। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो सीटें जो हैं वो और भी इंक्रीज हो गई और इन संस्थानों को जो है वो अप्रूवल नहीं मिला है। और भी ऐसे लॉ कॉलेजेस थे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था कि इंस्पेक्शन के लिए, जो मैंने प्रीवियस जो BCI का जो रिपोर्ट था उसमें मैंने बात की थी। ठीक है, यहाँ पे अन्य लॉ कॉलेजों के हालात है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो मेन जो मेरा मुख्य इस वीडियो को बनाने का था कि सीटें जो हैं वो कैसे बढ़ गई, तो यहाँ पे जैसे हमें देखने को मिला है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है वो सेकेंड रिपोर्ट आया आपका 21 तारीख को जो है वो सबमिट किया गया होगा पटना हाईकोर्ट में, या हो सकता है कि कॉलेजों ने भी जो है वो एक काइंड ऑफ कुछ किया होगा या फिर से इंस्पेक्शन करवाया हो। तो ऐसे तो कुछ रिपोर्ट नहीं आए थे, लेकिन हो सकता है कि फिर से जो है वो मूल्यांकन करने के लिए कहा गया हो। तो इस पर कोई भी कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मेरा एक एनालिसिस है। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हुई हो, लेकिन एट द एंड ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो सीटें हैं खासकर पटना लॉ कॉलेज के बारे में कि सीटें जो है वो पहले से ऐसी 300 सीटें हो चुकी है। तो ये था कुल मिलाकर पूरा एनालिसिस कि जिस तरह से हमें देखने को मिला। मेरी ऐसी कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये सब बढ़ जाएगा सीट, लेकिन हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये लॉ कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा मैंने समय ले लिया, लेकिन इस पर बात करना काफ़ी ज़रूरी था। तो इसी को यहीं पे रखते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और आप लोग भी बताना कि किस लॉ कॉलेज में जो है वो आप लोग इस साल एडमिशन लेना चाहते हो। चलिए गाइज, मिलते हैं, बाय।